वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। एंड आज हम 12th क्लास की अकाउंटेंसी का, कल जो अपन ने टॉपिक्स पढ़े थे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कल देखिए स्टूडेंट्स, कल अपन ने जो कवर्ड किया था उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था व्हाट इज, फर्स्ट जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था वो था व्हाट इज पार्टनरशिप, सेकंड आपने पढ़ा था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, थर्ड आपने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड, एंड फोर्थ आपने पढ़ा था रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये चारों टॉपिक्स अपन ने कल ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए थे। ठीक है, इसका अपन ने एक ट्रिक पढ़ा था, उस ट्रिक को मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमारे काम आने वाला है। इसका अपन ने ट्रिक पढ़ा था 3 क्रॉस इज इक्वल टू 6%। ठीक है, 3 क्रॉस का मतलब अपन ने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट मीन्स IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स IOD नॉट अलाउड, सैलरी बोनस एंड कमीशन नॉट अलाउड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, एंड 6% के लिए अपन ने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल 6% पर एनम। ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी काम आने वाली हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपको दे देगा कि ए एंड बी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2 एंड सैलरी टू पार्टनर इतना इतना अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5%, एंड लास्ट में बोल देगा वो नो एग्रीमेंट वॉज मेड। इट मीन्स आपको जो भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है वो सारी चीज़ें आपको अलाउ ही नहीं करनी पड़नी है क्योंकि आपको लास्ट में क्वेश्चंस में क्या बोल दिया गया है, नो एग्रीमेंट वॉज मेड, कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए क्या कर देंगे हम उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, अगर उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोविजन है तो फिर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन के ओनली पे करेंगे 6% पर एनम, और उसके बाद जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट्स आता है वो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये कल का टॉपिक थे, कल हम पढ़ चुके थे, अब हम आगे चलते हैं। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाने में बहुत आसानी होने वाली है। टॉपिक का जो नाम है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है समझिए। देखिए बेटा, 11th क्लास में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके आए हैं। क्या बना के आए हैं, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके आए हैं। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या करते थे, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करते थे। ठीक है, क्लियर, हम यही करते थे ना, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम क्या कर लेते थे, यहां से क्लियर कर लेते थे, सोल्व कर लिया। बट पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, ये बनाया जाता है कि पर्टिकुलर पार्टनर को, क्या बनाया जाता है कि पर्टिकुलर जो पार्टनर है आपका, उस
पार्टनर को उस पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आया। सपोज दैट ए बी सी तीन पार्टनर हैं और इन तीनों पार्टनर्स के हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट या कितना कितना लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें एप्रोप्रिएशन करना पड़ता है प्रॉफिट्स का। इट मीन्स जो आपको नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको क्या करना पड़ता है, कुछ आइटम्स जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी फर्म का नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज था, क्या था, 1 लाख रुपीज था, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, 1 लाख रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, परचेज सेल्स रेंट बोनस है ना, और आपके जो एक्सपेंसेस थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, वो आइटम्स हमने सारे काट दिए, उसके बाद में हमारे पास क्या आ गया, 1 लाख का नेट प्रॉफिट आ गया। अब नेट प्रॉफिट आने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है, भाई 1 लाख रुपए को क्यों नहीं बांट देते, क्यों नहीं बांटते, इसका रीजन सुनिए। 1 लाख रुपए को हम इसलिए नहीं बांट सकते भाई, पार्टनर्स की जो सैलरी है वो कहां से देंगे, प्रॉफिट में से देंगे ना। किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना है उसकी कैपिटल पे, तो वो कहां से देंगे, वो भी वहीं से देंगे। किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो वो भी वहीं से देंगे। किसी पार्टनर को मान लीजिए बोनस देना है तो वो भी वहीं से देंगे। इस नेट प्रॉफिट में से मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोल दे कि कुछ पैसा आपको रिजर्व में रखना है जिसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना है, तो उस पैसे में से आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा आपको रिजर्व में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, जिसको अपन ट्रांसफर टू रिजर्व के नाम से बोलेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व के नाम से बोलेंगे। तो ये सारी जो चीजें होंगी ये अपने नेट प्रॉफिट में से ही तो देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जब तक आपको नेट प्रॉफिट ना हो तब तक आप सैलरी इंटरेस्ट कमीशन बोनस दे ही नहीं सकते। आपको प्रॉफिट होगा तभी तो आप पर्टिकुलर पार्टनर, क्योंकि पार्टनरशिप में ध्यान रखना पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, तो इसलिए कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि भैया मेरे को सैलरी नहीं मिली, भैया प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो सैलरी कहाँ से पे करेंगे, क्योंकि आप तो पार्टनर हैं, आप इसके प्रिंसिपल है, आप इसके एजेंट है, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का रिलेशन कैसा होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। तो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए मेरा खुद का बिजनेस है, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं उसको सैलरी कैसे ले सकता हूं, मैं कमीशन कैसे मांग सकता हूं, किससे मांगूंगा, ठीक है। तो प्रॉफिट में क्या होता है, एप्रोप्रिएशन तभी करेंगे जब आपको प्रॉफिट हुआ हो। हाँ, इस प्रॉफिट में से फिर आपने सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन बोनस एटसेट्रा ये सारे आइटम्स हमने क्या कर दिए, डिडक्ट कर दिए। उसके बाद अगर कोई आपके पास में प्रॉफिट बच रहा है, उसके बाद अगर आपके पास में कोई प्रॉफिट बच रहा है तो उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में उनके एग्रीड रेशो में बांट देंगे। एग्रीड रेशो का मतलब जो उन्होंने डिसाइड किया था उसमें, अगर डिसाइड नहीं किया था तो उसको हम क्या कर देंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज उसको क्या करेंगे हम, जो एग्रीड रेशो दिया हुआ है उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ गया पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता कैसे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर आपको पता है दो आइटम्स दिखाए जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंसेस। एक साइड आपकी इनकम होगी, एक साइड आपके लिए एक्सपेंसेस होंगी। मुझे पता है कि देखो नॉमिनल नेचर का जो रूल होता है वो क्या होता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिटेड, दैट्स ऑल। हम पढ़ते आए हैं 11th क्लास में हमने गोल्डन रूल्स पढ़ा था, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि भैया फर्म और पार्टनर दोनों सेपरेट एंटिटी तो हैं, फर्म और पार्टनर दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी है, ये तो पता है हमें। अब फर्म अगर पार्टनर को सैलरी देगा, फर्म पार्टनर को सैलरी दे रहा है तो फर्म के लिए वो सैलरी जो है वो इनकम होगी, एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, एक्सपेंस ही होगा। इट मींस जो सैलरी थी वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, बट वही सैलरी पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम। समझ में आया,
सैलरी मान लो, चाहे बोनस मान लो, चाहे कमीशन मान लो, तीनों का ट्रीटमेंट यही होगा। इसका मतलब अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, बोनस देना है, कमीशन देना है, तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें हम इसको डेबिट साइड शो करेंगे। ये आपका डेबिट साइड होता है, ये आपका क्रेडिट साइड होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट साइड में इनकम्स आएंगी। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, क्या दिखाएंगे, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, सैलरी मान लो, बोनस मान लो या कमीशन मान लो, ये तीनों आइटम ही इधर आएंगे। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम IOC के नाम से जानते हैं, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा तो फर्म के लिए तो वो क्या है, एक्सपेंसेस, लेकिन पार्टनर्स के अकाउंट में जाएंगी इसलिए उनके लिए क्या है, इनकम है। समझ रहे हैं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो भी आपके डेबिट साइड में जाने वाला है। अब मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए जो भी हम विड्रॉ करते हैं उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। सपोज दैट यही पार्टनर है ABC और B को 10,000 रुपीज की जरूरत थी, उसने अपने बिजनेस में से क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया, 10,000 रुपीज क्या कर लिए, विड्रॉल कर लिए। तो ए और सी इसको बोलते हैं कि भैया 10,000 आपने विड्रॉल किया है, आपने 3 months उसको यूटिलाइज किया, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आप हमको पे कीजिए। अगर आपने ऐसा एग्रीमेंट में कर रखा है, एग्रीमेंट में पहले से डिसाइड है कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10%, 5%, 2%, 7%, 12% एक्सेट्रा, जो भी आपने डिसाइड किया है, अगर प्री डिसाइडेड है तो बी को इसका 3 months का इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर फर्म के पास कोई पैसा आ रहा है तो उसके लिए इनकम होगा, एक्सपेंसेस होगा, ऑब्वियसली इनकम होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो फर्म के लिए क्या बन जाएगा, इनकम, लेकिन यही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस बन जाएगा। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया, ओके। आगे देखिएगा, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब मुझे एक चीज और जो आपको क्लियर करनी है, देखो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो नेट प्रॉफिट था ना उसको शो करना पड़ेगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन इसी में से करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में हो तो वो क्रेडिट साइड जाएगा, नेट ऑलरेडी नेट लॉस है तो वो डेबिट साइड जाएगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हम प्रॉफिट की बात करते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम साइड में क्या दिखाऊंगा, बाय नेट प्रॉफिट, मेरा जो भी नेट प्रॉफिट था वो मैं शो कर दूंगा। और मेरे पास इनकम का जो सोर्स था वो था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट मेरा इतना, ड्रॉइंग्स मेरा इतना, मेरा टोटल हुआ इतना, ठीक है। इस टोटल में से मैंने सैलरी, बोनस, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कुछ पैसा मान लीजिए मैंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको मेरा, उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स, क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स, इट मीन्स विभाजन योग्य लाभ, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजेबल प्रॉफिट। और डिविजेबल प्रॉफिट जो होता है उसको हम पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, सपोज दैट ABC, जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पर्टिकुलर पार्टनर के हिस्से में कितना कितना पैसा आया उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो टर्म्स डेबिट होंगी
वो क्या क्या होंगी, ठीक है। तो डेबिट साइड में जो जो टर्म्स जाएंगी वो मैं लिख रहा हूं, डेबिट साइड किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। इसके डेबिट साइड में कौन कौन सी टर्म्स जाएंगी वो देखिए, एक तो आपकी जाएगी सैलरी, एक आपका जाएगा बोनस, एक जाएगा आपका कमीशन, एक जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और कुछ पैसा जो आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर टू रिजर्व, ये चीजें जाएंगी। और क्रेडिट साइड कौन कौन सी टर्म्स जाएंगी, क्रेडिट साइड इनकम का आपके पास में एक ही सोर्स होता है और वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, किसका होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आती है, बट मैं कुछ और आइटम्स लिख रहा हूं, ठीक है, क्या लिख रहा हूं, कुछ और आइटम्स लिख रहा हूं, वो आइटम क्या है वो समझिए। जो कुछ स्पेशल आइटम्स हैं फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो अभी आपने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर, और एक आपका आता है मैनेजर्स कमीशन, क्या है, मैनेजर्स कमीशन। ये कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं, स्पेशल आइटम हैं, इनको कभी भी ध्यान रखना, इनको हम क्या करेंगे, ये तीनों आइटम, देखो रेड अलर्ट कर रहा हूं मैं इनको, नोट शो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉट शो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्यों, पार्टनर्स को मिल रहा है, रेंट भी मिल रहा है और मैनेजर का कमीशन भी है। देखिए ये प्रॉफिट, ये वाले जो आइटम्स हैं आपके, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्जेबल हैं। इट मीन्स अभी अपन ने क्या पढ़ा था, अगर प्रॉफिट होगा तो ये चीजें मिलेंगी, इफ पार्टनर्स को ये चीजें कब मिलेंगी, जब प्रॉफिट होगा तो ये आइटम मिलेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, ठीक है, चाहे आपका प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, आपका प्रॉफिट कम या ज्यादा भी है, मान लीजिए आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बन रहा है आपका 10,000 रुपीज, बट फर्म का नेट प्रॉफिट आया है 7,000, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा, यस पे किया जाएगा, क्या उसको सैलरी पे मिलेगी, नहीं, पहले अपन लोन का अमाउंट क्लियर करेंगे। ये मतलब इन चीजों से पहले पे किए जाते हैं, इसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो फिर उसमें से सैलरी बोनस कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिजर्व में ट्रांसफर, रिजर्व में तो पैसा ही ट्रांसफर करेंगे जब होगा, सेविंग्स की तो सोचे ही जब गए ना, जब हमारे पास पैसा ज्यादा पड़ा रहेगा, अभी तो वैसे ही गाड़ी क्या चल रही है, पटरी से उतरी पड़ी है, ठीक है। तो ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर और मैनेजर कमीशन, ये तीन आइटम्स ऐसे हैं जिनको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इनको नहीं दिखाते तो इनको कहां दिखाओगे, इनको कहां पे शो करोगे, अगर आप इनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते तो ध्यान रखना इनको हम शो करेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई, अगर ये वाले आइटम आप इन तीनों में से कोई भी आइटम आपके क्वेश्चन में है तो मुझे फर्स्ट जो स्टेप रहेगी, स्टेप नंबर वन, मुझे पी एंड एल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बन जाएगा तो इसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो ट्रांसफर होगा स्टेप नंबर सेकंड में। कहां, किस में ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो था वो कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर उसमें से जो ट्रांजेक्शन्स करने हैं वो करेंगे, किस किस के करेंगे? सैलरी के करेंगे, बोनस का करेंगे, पार्टनर्स के कमीशन का करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व का करेंगे। फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिविजेबल प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिविजेबल प्रॉफिट बोलेंगे। और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट इन द पार्टनर्स, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनके पीएसआर में। उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें हम क्या कर देंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? समझ में आया? वापस से देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड क्या 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 पढ़ा अपने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में सैलरी आती है, बोनस आता है, कमीशन आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ट्रांसफर टू रिजर्व आता है। क्रेडिट साइड में इनकम, ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड के अंदर अपन क्या दिखाते हैं? एक्सपेंसेस दिखाते हैं। और क्रेडिट साइड के अंदर हम क्या दिखाते हैं? इनकम दिखाते हैं। ठीक है, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यही आइटम आपके रिवर्स होने वाले हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो पार्टनर्स के लिए क्या है? पार्टनर्स के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। हम फर्म के बिहाफ पे चलते हैं, ये हम फर्म के बिहाफ पे, फर्म में के लिए एक्सपेंसेस ये हैं, इनकम ये है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो ये एक्सपेंसेस पार्टनर, भाई किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी ना, इनकम का पार्ट है। आपको बोनस, आप पार्टनर हो और आपको बोनस मिल रहा है तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। आपको कमीशन मिल रहा है, कैपिटल इंक्रीज होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, कैपिटल इंक्रीज होगी। रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर हो रहा है उससे कैपिटल इंक्रीज नहीं होगी, बट ये पैसा फर्म के लिए कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस, इट मींस आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, आपका अकाउंट फ्रीज है, उसको काम में ही ले सकते, तो आप तो ये मान के भूल जाओ कि हमारा पैसा गया, दैट्स ऑल। बाद में कहीं काम आएगा, लेकिन अभी तो वो पैसा आपके काम के लायक नहीं, अभी तो प्रॉपर पार्टनर्स में तो नहीं बट रहा है ना वो, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? एज ए सेविंग इसको भी डेबिट साइड शो कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, किसी पार्टनर से पैसा आपके पास आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। क्लियर है? सारी चीजें शो हो रही हैं, देख लीजिए एक बार फटाफट से। ठीक है, हो गया होगा। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का था। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे करके एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज दैट दो पार्टनर ले लेते हैं हम, ए और बी पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, और इनकी जो कैपिटल है वो है 1 lakh एंड 2 lakh अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। क्या बोला मैंने? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। क्या क्या डिसाइड हुआ इनके बीच में? इनके बीच में डिसाइड हुआ कि सैलरी टू ए ₹500 पर मंथ, इनके बीच में डिसाइड हुआ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, इनके बीच में डिसाइड हुआ कमीशन टू सी रुपीज 10,000 पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है आपका 2,000 and 3,000 रेस्पेक्टिवली। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। फर्म का नेट प्रॉफिट सपोज दैट दिया हुआ है 80,000 रुपीज, फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ 80,000 रुपीज का है और आपको बोल दिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, देखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट बनाते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्टेप मैंने आपको बताई थी कि जो फर्म का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसको शो करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट आपको पता ही है क्या होता है, पर्टिकुलर और अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं रुपीज, पर्टिकुलर और फिर रुपीज, ओके। ठीक है, कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट शो करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, और नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 80,000 का, क्या दिया हुआ था 80,000। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या कहता है आपका कि सैलरी देनी है साहब ए को, कितना देना 500 पर मंथ देना है, दे दीजिए। अब सैलरी जो है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड टू सैलरी, सैलरी किसको देना है टू ए को देना है, किसको देना है ए को, कितना देना था 500 पर मंथ देना है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर 500 पर मंथ होगा तो आपके एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी 6,000 रुपीज, और ये किस में से देंगे, प्रॉफिट में से देंगे। ठीक है, सेकंड नंबर का पॉइंट क्या कहता है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो सब पार्टनर्स को, दे दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को देना है, पार्टनर्स को देना है, तो पार्टनर्स कितने थे आपके पास ए एंड बी, ए की कैपिटल कितनी है 1 लाख, ए की कैपिटल कितनी है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000, सिंपल। बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना हो गया 20,000, इट मीन्स आपने 30,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट कमीशन टू सी, थर्ड पॉइंट क्या है कमीशन टू सी, सी को कमीशन देना है, सी को कमीशन देंगे तो कमीशन टू सी कितना देना था, इसको देना था 10,000 पर एनम, पर एनम का मतलब एनुअली देना है, पूरे साल भर का देना है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ पे भी अगर पर मंथ होता, पर क्वार्टर होता तो फिर अपन मल्टीप्लाई करते, पर मंथ दे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वार्टरली दे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पर एनम है तो एज इट इज शो कर देंगे, तो ये हमने 10,000 शो कर दिया। इसके बाद देखिए तीन पॉइंट हो गए, फोर्थ जो आपका पॉइंट है वो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम है तो हम कौन सी साइड शो करेंगे इसको, क्रेडिट साइड, इट मीन्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है 2000 एंड 3000, ए का 2000 एंड बी का 2000, सॉरी 2 एंड 3 3000, टोटल कितना हो गया 5000, ये हो गया। ठीक है, और कोई आइटम बच गया क्या? नहीं, यही चीजें थी इस क्वेश्चन में। अपन ने एक सिंपल क्वेश्चन उठाया था अभी, और इसलिए हमने इसमें कुछ एडिशनल चीजें नहीं ली। अब हम इसका क्या कर देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। कौन सा प्रॉफिट निकालेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का लेस कर दो, जो बैलेंस बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस होगा। इट मीन्स ये वो प्रॉफिट होगा जिसको हम पार्टनर्स के अंदर उनके एग्रीड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो देखिए, क्रेडिट साइड में आपके पास टोटल अमाउंट आया 85,000 का, और डेबिट साइड में आपके पास आ गया 30, 10, 40, 46। इट मीन्स 85,000 में से 46,000 जब हम लेस कर देंगे तो हमारे पास में बच जाएगा 9, ये बच गया और 3 ये बच गया। तो ये हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट जो है वो हम ट्रांसफर कर देंगे ए एंड बी में, ए एंड बी में। तो हमारा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया? 39,000 आया है। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? क्वेश्चन में गिवन था, देखिए ये रहा 1:1। तो 39,000 को 1:1 के अंदर क्या कर देंगे हम? अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और 1:1 के अंदर जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 39 को, तो कितना हो जाएगा? 19,500। और इतना करने से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। दैट्स क्लियर, आ गया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई नई चीज नहीं थी, अपन ने मन से क्वेश्चन उठाया था। हम बुक्स के बहुत से क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, बट कंसेप्ट को ध्यान में रख करके करेंगे। देखो, ट्वेल्थ क्लास में जितना आप कंसेप्ट सीखेंगे उतनी जल्दी आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अगर कंसेप्ट से चलेंगे तो चीज़ें आसान बनेंगी, जल्दी समझ में आएंगी। रट के चलोगे कम समझ में आएगा, और थोड़े टाइम के लिए समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ें याद रखनी है तो कंसेप्ट से चलो कि डेबिट साइड क्यों, वाई का आंसर आपके पास में होना चाहिए, उसके बाद में तो आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। जब अगर आपको वाई का आंसर क्लियर, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों डेबिट साइड क्यों, क्योंकि जब हम फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस शो करते हैं। और अभी अपन ने पिछले वाले पेज पे अपन ने क्लियर किया था कि फर्म के लिए एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है आपका, ना इसको नोट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको समझ लेना। ठीक है, और इसके बाद अपन ने इसका जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्वेश्चन है आपका ये वाला। इसमें अपन ने सिंपल सी चीज़ें उठाई थी कि आपका फर्म का प्रॉफिट ये है, आपकी कैपिटल ये है, इसमें से सैलरी इतनी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना पे करना है, कमीशन इतना पे करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से फर्म को इतना मिल रहा है, इसलिए ये मिल रहा है इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड में डाल रहे हैं, और जो एक्सपेंसेस थे वो हमने डेबिट साइड डाल दिए। 85,000 हमारा क्रेडिट साइड का टोटल था, 46,000 हमारा डेबिट साइड का टोटल था, और 85,000 आपके पास आया हो, 46,000 उसमें से खर्च कर दिया गया हो, तो आपके पास 39,000 का बैलेंस बचता है। और ये 39,000 का जो बैलेंस है पार्टनर्स के अंदर हम उसको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करने से आपके पास में जो बैलेंस आता है वो 1:1 के अंदर आ जाता है पार्टनर्स में, 19,500, 19,500। क्लास को शुरू करने से पहले मैंने बताया था कि 80,000 अगर फर्म का प्रॉफिट हो तो उसको 40-40 क्यों नहीं बांटते? वो इसलिए नहीं बांटते, ये इसका आंसर था, क्योंकि इस 80,000 में से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सैलरी पे करनी पड़ेगी, कमीशन पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से तो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो टोटल 85, फिर जो बचा बचा लास्ट में क्या हमारे पास 39,000, ये सारी चीज़ें देने के बाद। तो पर्टिकुलर पार्टनर के हिस्से में कितना कितना पैसा आया, ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए ही हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते हैं।
कि पर्टिकुलर पार्टनर को शेयर कितना मिल रहा है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, दैट्स क्लियर। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आया होगा। कल हम इसकी और चीज़ें देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, ओके, तो बेटा इसको क्लियर कीजिएगा और बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सफिशिएंट फॉर टुडे, कल अपन इसके कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे। कल हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में आपको रेंट, मैनेजर कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर प्रोवाइड किया गया है तो उसको हम किस तरीके से सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।